दिल्ली की कोई भी ट्रिप यह आए बगैर पूरी हो ही नहीं सकती। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस ब्लॉग में। तो आज आया हूँ मैं दिल्ली के जंतर मंतर देखने। और हाँ, जंतर मंतर मतलब कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि जंतर यानी कि इंस्ट्रूमेंट और मंतर मतलब कैलकुलेशन। तो चलो अभी इसे एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ आने के लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है जनपथ मार्केट मेट्रो स्टेशन, राजू चौक मेट्रो स्टेशन और पटेल चौक मेट्रो स्टेशन। मेट्रो से बाहर आते ऐसी इलेक्ट्रिक साइकिल है, आप ये भी ले सकते हो। और ये जंतर मंतर है और यहाँ सामने से एंट्री है अंदर। इस जगह पर टिकट काउंटर है शायद। और यहाँ का टिकट अगर कैश करोगे तो 25 रुपीज़ है और ऑनलाइन करोगे तो 20 रुपीज़ पर पर्सन है। जंतर मंतर ये नाम संस्कृत भाषा से लिया गया है, जंतर यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स एंड मंतर यानी कि कैलकुलेशंस। दिल्ली का जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला है। इसका निर्माण महाराजा जयसिंह द्वितीय ने 1724 में करवाया था। राजा जयसिंह ने ऐसी वेधशालाओं का निर्माण जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में भी किया था। मुहम्मद शाह के शासनकाल में हिंदू और मुस्लिम खगोल शास्त्रियों में ग्रहों की स्थिति को लेकर बहस छिड़ गई थी। इसे खत्म करने के लिए सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया। ग्रहों की गति नापने के लिए यहाँ विभिन्न प्रकार के उपकरण लगाए गए हैं। सम्राट यंत्र सूर्य की सहायता से वक्त और ग्रहों की स्थिति की जानकारी देता है। मिश्र यंत्र वर्ष के सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन को नाप सकता है। राम यंत्र और जयप्रकाश यंत्र खगोलीय पिंडों की गति के बारे में बताता है। महाराजा जयसिंह ने उनके अपने छोटे से शासनकाल में खगोल विज्ञान में अपना जो अमूल्य योगदान दिया है उसके लिए इतिहास उनका सदा ऋणी रहेगा। तो ये था दोस्तों जंतर मंतर। आशा करता हूं आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो जल्दी मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।